हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 18 से लेकर 20 नवंबर के बीच में जितने भी बड़ी भर्तियों का अपडेट्स आई है, और साथ ही साथ इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी UPPCS RO ARO की नई वैकेंसी के लिए जो न्यूज़पेपर में आया है, और साथ ही साथ हाई कोर्ट ARO एग्ज़ाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट को मैं बताऊंगा, क्योंकि जो 24 की डेट थी वो थोड़ा सा बढ़ गई है। जुडिशियल स्टेट का कोई एग्ज़ाम है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, और साथ ही डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर से रिलेटेड रिसेंट के न्यूज़ को। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी अपडेट्स डेली न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश पेपर कटिंग्स जो भी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। और फ्रेंड्स, इस टाइम हमारे उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हर दूसरे दिन आपको एक आइडियो आर्टिकल्स भेजे जा रहे हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले मैंने पॉलिटी को स्टार्ट किया है, तो पॉलिटी से रिलेटेड भेजे जा रहे हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। तो फ्रेंड्स, इसमें जल्द ही अध्याचपन आ चुका है, और इसमें जो आवेदन है वो कुछ महीनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। जब विज्ञापन ऑफिशियली आ जाएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और इसका जो प्राइमरी, जैसे इसका फॉर्मर अगर जो भी वो रह चुका है, जो भी एग्ज़ाम वगैरह रहे हैं, विज्ञापन वगैरह आए हुए हैं, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी रही हुई है वो रहा हुआ आपका ग्रेजुएशन प्लस क्या मांगा गया था, BEd, ठीक है। और अब देखो, जो जब तक नया विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक पूरा कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इनकी 350 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आ सकती हैं, ठीक है। लगभग ये पूरी एक्सपेक्टेड की जा रही है। और नेक्स्ट है आपका UPPCS RO ARO के लेके 800 पद जल्द ही, तो ये पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, और सचिवालय के 1000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। इसमें कुछ एडिशन वैकेंसी हैं, और उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के रिक्त 1066 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं सचिवालय प्रशासन विभाग ने समीक्षा अधिकारी के 441, समीक्षा अधिकारी लेखा के पद 47, सहायक समीक्षा अधिकारी के 327 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के लेखा के 25 पद, ये तो पूरे पद हैं। और यहाँ पे देख रहे सीएम ने कैसे, क्योंकि यूपी सचिवालय में काफ़ी दिन से कुछ वैकेंसियाँ, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, तो इसको लेके भरा जाएगा, जल्दी आएगा इसका भी। मुझे लगता है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी तक ये पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसका वो आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट RO के एग्ज़ाम के लेके। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस वजह से ये एग्ज़ाम तिथि टाली गई जो 24 नवंबर को लगी हुई थी, अब ये एक्सपेक्टेड की जा रही है 7 दिसंबर को, मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये डेट नहीं लगती 7 दिसंबर वाली, तो आपको 15 तारीख को PCS का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 22 तारीख को TET का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इन दोनों भी डेट पे नहीं हो पाएगी अगर ये 7 तारीख को एक्सपेक्टेड की जाती, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी डेट को की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्ज़ाम के 3rd DB को लेके। तो ये 22 को होगी, 23 यहाँ पे लग गया है, 22 ओके होगी, और अंतिम चयन प्रणाली जैसा मेरी बात हुई है फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनकी DB कराने के बाद, क्योंकि 38 बच्चों को बुलाया गया है, उसमें से केवल 12 बच्चों को चयन करना है, तो वो उसको करके, और आपका जो पूरा जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, केवल इन्हीं बच्चों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, और इसी महीने के लास्ट तक ये वैकेंसी मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो जानी है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो 2-3 DB कराई जा चुकी है, पॉसिबिलिटी इनको यही करना चाहिए था कि पहले एक ही साथ में निकाल लें, मैक्सिमम बच्चों को बुला लें, देखते हैं फिर क्या होता है।